मेरी डेली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन को दबाइए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको याद है कि पाकिस्तान किस चीज के लिए बनाया गया था? पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था कि यहाँ पे इस्लामी रियासत कायम होगी, हर किसी को इंसाफ मिलेगा। तो ये फिर क्या हो रहा है? एक इस्लामी मुल्क में आए दिन बच्चियों के साथ ज्यादती के केसों में इजाफा हो रहा है। ये किस तरह का माशरा है? हवस के पुजारी छोटी बच्चियों को भी नहीं बख्श रहे। पहले जैनब, 7 साल जैनब के साथ ज्यादती होती है, उसे कत्ल करके सरेआम फेंक दिया जाता है, और फिर जब उसके कातलों को पकड़ नहीं पाते तो झूठे कातलों का दावा करते हैं कि हमने कातल पकड़ लिए हैं। उसके बाद चलती ट्रेन में औरत के साथ ज्यादती होती है, उसका गुनाह सिर्फ ये होता कि वो टिकट लेके नहीं बैठी। और अब एक और दिल दहला देने वाला केस सामने आया है। 5 साल बच्ची जो अपने घर से पंसार की दुकान पे जाती है घर का सामान लेने, और पंसार हकीम उसे अपनी हवस का निशाना बना देता है। क्या ये है पाकिस्तान? वो 5 साल बच्ची, उसका क्या कसूर है? उसे तो अब इन सब चीजों का पता भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मुल्तान में 5 साल बच्ची के साथ ज्यादती हुई, जो अपने घर से पंसार की दुकान पर गई घर का सामान लेने, और पंसार की दुकान पे जो हकीम बैठा था उसने उस बच्ची के साथ ज्यादती की। और ये मेरे ख्याल में पहला वाकया होगा जिसका मुल्ज़म पकड़ा गया है। उसी वक्त मोहल्ले वालों ने उस पर शक किया और उसे पकड़ लिया। डीएनए टेस्ट करवाया गया तो डीएनए टेस्ट मैच हो गया। दोस्तों, अब आप लोगों की बारी है। आप लोग आवाज़ बुलंद कीजिए कि उसे सरेआम चौक में फांसी दी जाए, ताकि आए दिन जो इन ज्यादती के केसों में इजाफा हो रहा है, कम अज़ कम वो तो ना हो, बाकी जितनी मासूम जैनब और जितनी बच्चियों के साथ ज्यादती होनी थी हो चुकी। क्या हम उनकी जान ज़ाया कर दें, उनकी कुर्बानी को ज़ाया कर दें? अब हमें आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो इंसान खुद अपनी मदद नहीं करता उसकी मदद नहीं की जाती। अगर हम आज आवाज़ बुलंद नहीं करेंगे तो सोचें कल शायद हमारी बहन बेटी इसकी जगह हो। हमें एहतजाज करना चाहिए कि उस हकीम को जो पकड़ा है उसे सरेआम चौक में लाया जाए और उसे उसका गंदा अजू काट दिया जाए। किसी को ऐसी भयानक सजा मिलेगी तो फिर ही ये माशरा दुरुस्त होगा। बड़े शहरों में यही कानून है, अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काट दिए जाते हैं, अगर कोई किसी को ज्यादती का निशाना बनाता है तो उसके अजू काट दिया जाता है, उसका खास अजू काट दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको नहीं मालूम तो आप ये सुन लें, उसका वो खास अजू काट दिया जाता है सरेआम, और उसे तरपा तरपा के मार दिया जाता है। दोस्तों, हमें आवाज़ बुलंद करनी होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक आदमी की आवाज़ बुलंद करने से क्या हो जाए, बहुत कुछ हो सकता है। अगर एक एक इंसान खुद को बदलेगा फिर ही तो माशरा दुरुस्त होगा। सोचें, 7 साल जैनब के बारे में सोचें। 7 साल जैनब का ख्याल नहीं तो 5 साल उस बच्ची के बारे में सोचे जिसे हकीम ने दरिंदगी का निशाना बनाया। आप जरा सोच के तो देखें, अपने किसी कजन, अपनी किसी भतीजी भांजी को उस जगह पर रख के तो देखें। क्या आपको एहसास नहीं होता? क्या आपकी आंखें नम नहीं होती? क्या हम रोज यही मीडिया पे शेयर करते रहेंगे कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, आवाज बुलंद नहीं करेंगे? क्या हम उस वक्त आवाज बुलंद करेंगे जब हमारी किसी ऐसे रिश्तेदार के साथ खुदा नखास्ता ऐसा काम हो जाएगा? अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और हम सबको नेक कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन सब दरिंदों को उनके अंजाम तक लाजमी पहुंचाए।